हेलो एवरीवन, माय नेम इज जनम सिंह और आप देख रहे हैं सीएनसी टेक स्किल चैनल। तो मैंने इससे पहले एक पॉकेट मिलिंग का प्रोग्राम बनाया था, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि हम आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। तो चलिए आपको मैं बता रहा हूं कि इसका प्रैक्टिकल का जो प्रोग्राम है कैसे बनाया। ठीक है, तो ये हम आपको जो सुमान का वो होता है सिमुलेटर उस पर बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए जो हमारा मेन प्रोग्राम है ये, तो यहाँ से हम होम पोजीशन के लिए यूज कर लिए, ये हमारा सीक्वेंस नंबर है और इसमें जो ड्रिल लिया है ना, बोल एंड मिल, सॉरी जो एंड मिल है वो हमारा 10 का है। हमने प्रोग्राम जब बनाया था उसमें जो उसमें डाल रखा था 20 का मैंने एंड मिल लिया था, बट इसमें हम 10 से बनाए हैं। ठीक है, और ये टूल नंबर है और ये हमारे G54XYZ00 स्पिंडल स्पीड ले रहा है यहाँ से। और ये हमारा इसमें देखिए ये जो टूल लेंथ का ऑफसेट है ये माइनस में ये मशीन रीड कर रही है, प्लस में नहीं रीड कर रही है, G43 रीड नहीं कर रही है, G44 रीड कर रही है, तो इसमें माइनस में ऑफसेट पड़ा है। ठीक है, और यहाँ D1 पड़ा है जो कि हमें लेना है, इसमें G42 यूज करेंगे उसके लिए मैंने ऑफसेट का यूज किया है यहाँ पे। और ये हमारा सब प्रोग्राम नंबर है जो मैंने ये बताया है कि उसमें हम 2 mm डेप्थ डाल रखे हैं, एक बार में 2 mm लेगा तो 5 बार में 10 mm तक काटेगा, ये 5 बार रिपीट होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद ये 5 बार जब रिपीट हो लेने के बाद ये मेन प्रोग्राम फिर मेन प्रोग्राम में वापस आएगा और आगे यहाँ एंड हो जाएगा। इसका सब प्रोग्राम में जैसे 0011 है, देखिए ये सब प्रोग्राम नंबर है और यहाँ से हम 2 mm डेप्थ रखें पर कट में, मतलब एक बार जब कट लेगा तो 2 mm लेगा, ये इंक्रीमेंटल में बना है। और ये जब तक ये 5 कट नहीं लेगा तब तक ये प्रोग्राम बाहर नहीं आएगा मेन प्रोग्राम में, 5 बार कट लेने के बाद ही ये बाहर आएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमने पॉइंट भले 2 mm कट लिए, उसके बाद G01 42 लिया है और ये हमारा एक्स में 100 जा रहा है जो कि रेडी हमारा रेडियस 100 था और एक्स 100 डायमीटर 200 का जो डायमीटर था उसका होल का डायमीटर 200 था तो उसका रेडियस 100 था, तो इसलिए एक्स में 100 लिया और वाई 0 0 था। और G02 में लगाकर मैंने आपको प्रोग्राम तो समझा ही दिया है, तो वैसे ही ये प्रोग्राम है। ठीक है, तो चलते हैं मशीन पे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा बताऊंगा, तो ये बहुत लंबा प्रोग्राम है जो कि मैं आपको बोर्ड पे ही बता दिया था, वही चीज़ यहाँ पे है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मशीन को। ठीक है, देखिए ये हम फानुका 0IM OIM जो हमारा कंट्रोल होता है उसी के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, ओके किए। टाइम ले रहा है, देखिए कुछ मशीन इस तरीके से है। ठीक है, और हम थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको बता देंगे कि चलता कैसे है, तो इसमें चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, तो चलिए आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए मशीन इमरजेंसी शो कर रहा है, तो इमरजेंसी लगाए इस पर जैसे क्लिक करेंगे ये हट जाएगा। ठीक है, अब अलार्म ये शो कर रही है, कोई से अलार्म आया है जो अभी दिखा नहीं रहा मैसेज में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वर्क पीस लगाएंगे। वर्क पीस देखिए यहाँ हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाता है कि G54 में हमको लगाना है 55 लगाना है, तो हमने 54 लिया है और यहाँ से हम इसका चौड़ाई बढ़ा दे रहा हूँ, हमने इसका ले रहा हूँ 400 बाई 300 का वर्क पीस कि थोड़ा देखने में सही रहेगा, और इसका हाइट ले रहा हूँ। ठीक है, और ओके कर दूंगा। तो देखिए ये हमारा जैसे ये बढ़ गया वर्क पीस का हाइट, और इसके बाद इसमें चलते हैं टूल टूल लेते हैं, तो यहाँ से मशीन ऑपरेशन में चलेंगे, टूल
मैनेजमेंट में क्लिक करेंगे तो फिर देखिएगा कि यहाँ पे खुल के आएगा। मैंने सेट कर रखा है कि 10 का है, 12 का है, डायमीटर का ये एंड मिल है सब, ठीक है। और इसको क्लिक करेंगे, यहाँ ऐड टू मैगजीन करेंगे तो एक नंबर करेंगे, यहाँ से एक नंबर करके ओके कर देंगे तो ये हमारा एक नंबर में टूल लग गया। देखिए यहाँ से आपको मैं दिखाऊँ मैगजीन में, देखिए ये मैगजीन में टूल लग गया, ठीक है। तो ऐसे हो गया। और इसके बाद हम एक दो नंबर लेते हैं, एक और टूल लेते हैं, जैसे यहाँ चलते हैं तो दो नंबर लेते हैं, दोनों का लेंथ 120 से 120 ही है, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा, हम हाइट ऑफसेट लेने के लिए लेंगे। इसको दो नंबर में करते हैं और इसको हम माउंट करा देते हैं स्पिंडल में। देखिए ये लोड कर दिया है स्पिंडल को, स्पिंडल में टूल को माउंट हो गया टूल, और इसको ओके कर देंगे। तो हम चलते हैं इसका हाइट ऑफसेट ले लें। ऑफसेट कैसे लेंगे, तो ये यहाँ पे ये वर्कपीस से सेटअप है तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ रैपिड पोजीशन आएंगे। तो रैपिड पोजीशन आने के बाद ये पूछ रहा है आपसे कि किस कॉर्नर पे लेना चाह रहे हैं। देखिए इसमें 6 पॉइंट दे रखा है, सॉरी 5 पॉइंट है, तो अब 5 पॉइंट पे कहीं से ले सकते हैं। तो मैंने सेंटर से प्रोग्राम बनाया है, तो मैंने सेंटर पे क्लिक करके ओके करेंगे तो हमारी मशीन जो है, तो हमारी मशीन इस पॉइंट पे पहुंच जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जैसे मशीन में हम ऑफसेट लेते हैं वैसे ही है, तो ऑफसेट पे क्लिक करेंगे, वर्क में चलेंगे। अब वर्क में चलने के बाद मैंने पहले ले लिया था इसलिए यहाँ पे सारी चीजें अपडेटेड है, बट आप ले सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, x 0.0, ठीक है, मेजर इसमें कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि मैंने ले लिया है एक बार ऑफसेट को। तो y 0.0 मेजर, कहीं जेड में हो सके तो चेंज हो सकता है, z 0.0 और ये मेजर, कहने चेंज हो जाएगा। देखिए ये हमारा 150 हो गया, बट इसका थोड़ा जेड का लिमिट थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ये मशीन शिफ्ट है क्या है कुछ है, पता नहीं चल रहा है। इसके बाद देखिए मशीन को पहले होम पोजीशन देंगे, रेफरेंस करेंगे, अगर रेफरेंस पे है उसके बाद एक्स पे क्लिक करेंगे, सारे सॉरी पहले जेड करेंगे, जेड पे क्लिक करके प्लस करेंगे तो हमारा जो टूल है ये ऊपर उड़ जाएगा। और ये फिर उसके बाद वाई को प्लस कर देंगे तो ये अपने तरफ आ जाएगा, और इसके बाद इसमें जेड को प्लस करेंगे तो जेड भी अपने तरफ हो चला जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई जेड हमारा 0 हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा मेरे को इसमें डाउट है, तो ये जेड का ऑफसेट इसका कुछ सही नहीं ले रहा है, इसमें कुछ पैरामीटर में कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये जेड, ये हमको ये जो चीज़ है ये वर्क पीस पे होना चाहिए, जो ये मैप दिख रहा है ना, जैसे हमने प्रोग्राम जो बना रखा है तो उसी प्रोग्राम को इन्होंने रीड कर रखा है, ठीक है। इस उस प्रोग्राम को ये रीड कर लिया है जिसकी वजह से ऐसे दिखा रहा है कि हाँ मैं ये अलग से ये ग्राफ को जनरेट कर रहा है कि हमारा ऐसे ही इसका जो अंदर ये जो प्रोग्राम है, आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं 1 2 3 4 जो आपको मैंने पहले दिखाया था, ये वाला प्रोग्राम है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एकदम सेम प्रोग्राम है, कुछ इसमें चेंजिंग नहीं हुई है, एडिट करके आपको मैं दिखा दूँ। चलिए ठीक है, तो पहले मैं इसको ऑफसेट को सही कर दूँ, तो ऑफसेट में चलेंगे और इसमें और मैं नीचे लाऊंगा -210 कर दूँ जो पहले था, और यहाँ इनपुट करेंगे तो ये कह रहा है कि चाबी लगाओ, इसमें चाबी लगा के इनपुट कर दिए तो ये देखिए ये कुछ यहाँ आ गया, बट मुझे यहाँ पे भी नहीं चाहिए, हमें हमारे हिसाब से -270 का आसपास ये लेगा, ठीक है। इनपुट करेंगे देखिए 270 पे आ गया ना नीचे, हाँ ठीक है। तो ऐसे कुछ है, और उसके बाद हम -271 कर देते हैं, -272 कर दें, ठीक है। और इनपुट करते हैं तो थोड़ा अंदर चला गया, ठीक है सही है, ठीक है। तो हमारा मान लीजिए ऑफसेट इतने पे 0 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद मैंने प्रोग्राम में चलता हूँ और आपको मैं रिसेट करके जैसे अब देखिए अब हमारा मशीन चलने के लिए तैयार हो गया है, और आपको मैं दिखाऊं कि ये हमारा थोड़ा नज़दीक लाऊं जिससे आपको भी पता चले,
देखिए मैं सिंगल ब्लॉक में चलाऊंगा, एक एक करके आपको सारे प्रोग्राम को पढ़ाऊंगा कि कैसे रीड करें। देखिए सिंगल ब्लॉक का ऑप्शन है, आप अगर सेंसी में देखते होंगे तो ऐसे मिल जाता होगा देखने को, ठीक है। तो ये सिंगल ब्लॉक है और यहाँ से हमारा साइकिल स्टार्ट होगा। तो देखिए मैं सिंगल करूंगा तो जेड जीरो है, वाई जीरो भी है, और सिक्वेंस नंबर पड़ा और टूल अब चेंज होगा, एक नंबर टूल चेंज हो गया, ठीक है। अब देखिए जी जीरो, जी 90, जी 54, एक्स वाई जीरो और स्पिंडल स्टार्ट हो गया, स्पिंडल घूमना स्टार्ट हो गया और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ये घूम रहा, ठीक है। और ये पोजीशन पर अपना पहुंच गया है। अब देखिए यहाँ जेड ये 30, सॉरी ये यहाँ से होगा, ये हमारा हाइट 30 नीचे से आ गया ये ऊपर। उसके बाद ये देखिए अब ये हमारा M98, P5, P05 और 001, ये सब प्रोग्राम अब ओपन होगा यहाँ से। जैसे क्लिक करेंगे अब ये हमारा देखिए सब प्रोग्राम ओपन हो गया। अब ये -2 जाएगा नीचे, देखिए यहाँ अब ये देखिए चिप्स निकल रहा है, ये 2 mm नीचे चला गया। अब इसके बाद ये 42 के साथ एक्स में 100 जाएगा, ठीक है। जैसे हम चलाए देखिए यहाँ पहुंच गया मशीन, थोड़ा आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ ये पहुंच गया। अब ये G02 और एक्स -100 और रेडियस 100 का है, तो ये G02 में ऐसे घूमेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज, और यहाँ आके रुक जाएगा, ठीक है। तो इसको जैसे चलाएंगे देखिए कुछ ऐसे घुमा, ऐसे घूम के यहाँ आके रुक गया। अब देखिए अब दूसरा ये एक्स प्लस पे जाएगा, ठीक है, आ गया। अब देखिए इसमें एक्स को 95 कर रखा है, तो ये थोड़ा सा यहाँ से काटते हुए यहाँ आ गया, ठीक है, एक्स -95। क्योंकि इसमें मैंने 01 की यूज नहीं किया, क्योंकि इसमें अगर मैं फिर यहाँ करता तो यहाँ से थोड़ा शिफ्ट होता उसके बाद होता, बट ये क्या है कि यहाँ से चलते हुए ये यहाँ तक मटेरियल काट देगा, फिर आएगा फिर काटेगा, ठीक है, तो ऐसा है। तो देखिए इसके बाद ये फिर हमारा यहाँ आके रुक गया, और इसको मैं जैसे सिंगल ब्लॉक हटा कर अगर चला दूंगा तो ये 5 बार रिपीटेड करेगा, देखिए ये चल रहा है और इसको काटेगा ये। तो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सारा कैनेट साइकिल की वीडियो आपको मैं बना के दिखाऊंगा, और ये प्रोग्राम एकदम जेनुअन सही बना है, कोई इसमें इशू नहीं है, नहीं तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता तो ये सॉफ्टवेयर रन नहीं करता, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला सॉफ्टवेयर है। जल्दी से मतलब अगर थोड़ा सा भी इसका फॉर्मेट में चेंज हो गया या कोई अगर आप गलत कोड यूज कर लिए तो ये नहीं चलेगा, अलार्म शो कर देता है, टूल तुरंत टूट जाता है। इसमें भी तो बहुत सारे देखने को मिल रहा है, देखिए ये एक कट कंप्लीट किया 2 mm का, अब इसके बाद फिर यहीं से 2 mm का और कट लेगा, अभी इसको फिनिश कर लीजिए। देखिए इसमें M99 डाले हैं, बट ये M99 से बाहर नहीं जाएगा, फिर ये उसी प्रोग्राम को सिलेक्ट किया। आपको मैं रुकना चाहूंगा एक बार, देखिए यहाँ पे देखिए ये फिर ये 2 mm का कट लिया है यहाँ पे, देख रहे हैं ये, और कट लेने के बाद ये घूम रहा है इधर, देखिए थोड़ा सा आपको मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे दिख रहा है 2 mm का, फिर कट दोबारा लिया है ये, दोबारा ये अपना कट चालू किया है। तो चलिए मैं इनको चलने दूँ, तब तक सिंगल ब्लॉक हटा दें, चलाते रहें। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ये हमारे जो भी प्रोग्राम है उसको मैं अच्छे से इसमें चेक कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ इसमें सब कोड फानुक का चलता है, इसमें सारी चीज़ें, मजाक की भी मशीनें हैं, ब्रदर की भी मशीनें हैं, सारी सब कंट्रोलर है, सीमेंस भी है, फानुक भी है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप जिसमें चाहें उसमें चला सकते हैं। तो मैंने उचित समझा कि ज़्यादातर हमारे इंडस्ट्री में फानुक ही यूज हो रहे हैं, तो मैंने फानुक के ऊपर ही बनाया। तो आप लोग देखिए ये 5 बार रिपीट करेगा, ठीक है, तो कैसा लग रहा है कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ जान करके यहाँ चलो कोई मेरे, जब मैं मेहनत करता हूँ तो उसको कोई देखता है तो लगता है कि चलो मेहनत करना जेनुअन है, नहीं तो कोई लाइक भी ना करे तो फिर मोटिवेशन नहीं रह जाता है, फिर ये लगता है कि यहाँ चलो अब टाइम पास है ही क्या है कुछ,
अब ये है तो चलिए ठीक है, किसी को जरूरत आ रहा है। देखिए तीसरा कट अब यहाँ से लेगा, ये देखिए तीसरा ले लिया, दो बार चल चुका है, तीसरा चल रहा है, तो आप लोग समझ रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। देखिए इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूं तो देखिए ऐसे इसका मशीन दिखता है, अगर आप नए हैं तो देख लीजिए, इसमें सारी मशीन अवेलेबल है। और ये देखिए चल रहा है, इसमें कुछ ऐसे दिखता है ये। तो इसमें हर एक जैसे 18 सीरीज है, 0 सीरीज है, सब इसमें सीरीज बहुत सारे हैं, अभी मैं दिखा दूंगा आपको वीडियो ख़त्म होने के बाद। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए इतना डाया है तो अगर कट भी तो हम ले, स्टेप ओवर भी तो 5 mm दे रखे हैं, तो थोड़ा टाइम लेगा काटने में। बट आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट ना होना चाहिए कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन उसका है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है। तो अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट कीजिए, अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे नहीं ज्वाइन हुए तो ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे मैं कोई ऐसा PDF है या कोई लिस्ट है तो मैं उस पर शेयर करता रहता हूँ, तो कहीं आपको जरूरतमंद हो। और दूसरी बात कि व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा। ये चौथा कट ले लिया है, वहाँ से ग्रुप में आप ज्वाइन होइएगा तो फर्स्ट एडमिन मैं ही हूँ, तो इसमें मेरा नंबर मिल जाएगा, तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं प्रश्न। ठीक है, तो देखिए ये चौथा कट ले लिया है मशीन, और एक लास्ट कट का और इंतजार है। देख रहे इसमें चिप्स भी रिमूव हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हकीकत की मशीनें चल रही है। इसमें कूलेंट भी चलता है, बट मैंने चलाया नहीं है, वो देखेगा ऐसे तरीके से कूलेंट भी चलता है इसमें, तो कूलेंट भी चला सकते हैं, सारी चीजें है। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है ये। जिन भाइयों को चाहिए तो अगर आप लोग फरीदाबाद के आसपास है तो मैं पलोल रहता हूँ, तो वहाँ से आप ले सकते हैं, मिलकर मैं दे दूंगा। अगर देखिए पांचवा कट ले लिया, इसके बाद मशीन हमारी ऊपर चली जाएगी। ठीक है, ये 5 कट लास्ट कट है, कंप्लीट कट है ये, इसके बाद ये ऊपर चली जाएगी। सॉफ्टवेयर आप लोग को मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं है, सॉफ्टवेयर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप लोग शायद डाउनलोड भी हो जाता है ये। चलिए मैं कोशिश करूंगा कि फेसबुक पेज पे इसका लिंक दूं, जिससे आप लोग डाउनलोड कर सकें अच्छे से। ठीक है, तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अच्छा वीडियो लग रहा है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपको अगर अच्छा लगा तो आपको दोस्त भी कुछ सीखे, तो ज़रूरी है, सबको स्किल होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि चलिए मैं ही सीख रहा हूँ तो मुझे ही सीखना है, ऐसा कुछ नहीं है, दूसरे का भी मदद करिए कीजिए। तो ये हमारा लास्ट कट है, इसके बाद हमारी मशीन ऊपर की तरफ चली जाएगी। ये भी वीडियो 20 मिनट तक बनी गया, क्योंकि वो भी 20-25 मिनट का वीडियो था जो मैंने बोर्ड पे पढ़ाया था। देखिए हमारा फिनिश हो गया, मेन प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, और ये हमारा ये पॉकेट बन गया। जूम करके दिखाऊंगा आपको, देखिए टूल पाथ दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे ये पॉकेट बन गया, शायद यहाँ से ये चलिए कोई ना, आप लोग तो अगर देख लीजिए,
एकदम फिनिश कटा है, कोई इसमें इशू नहीं है, क्योंकि मैं टूल पाथ हाइड करना चाह रहा था बट मिला नहीं, तो इसको शायद प्रोग्राम से ही हमको करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है इसमें। कुछ है नहीं इसका प्रोग्राम ऐसा, प्रोग्राम नहीं है इसमें और कोई, मैं दो ये प्रोग्राम डाला था, नहीं तो दूसरा प्रोग्राम मंगा देता तो ये हट जाता। ठीक है, तो जो आपको देखने में, रुक जाइए एक बार, 0 1 1 0 देखिए हट गया, ऊपर चला गया। ठीक है, तो देखिए ये कितना स्मूथ कटा है। ठीक है, तो ऐसे ही मशीन पे काट सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए अभी आपको दिखा दूं कि वही प्रोग्राम है जो आपको मैंने यहाँ अभी नोटपैड पे दिखाया था, और जो मैंने बताया था वो भी यूज कर लेंगे, बट अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगा तो IJK में भी मैं बना के इसमें चला कर दिखा दूंगा कि IJK में भी चलता है कैसे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।